कैसे आप लोग दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं स्पेशल यूनिक। गाइस आप सब देखते हो कि हम लोग की इंडस्ट्री में मीन सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में अगर बात किया जाए तो गर्ल्स बहुत ही कम होती हैं और लोगों का कहना ये रहता है कि गर्ल्स इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो मैं उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए आज एक पॉडकास्ट लेके आया हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, अपने करियर में बहुत ही अच्छा कर रही है, अच्छा नहीं कर रही एक्चुअली बहुत अच्छा कर रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको आपके साथ रूबरू करवाता हूँ। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि एग्जैक्टली हम लोग क्या करके और अच्छे से सीख सकते हैं, मीन्स उसके एक्सपीरियंस से भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अपने करियर में जो भी उसने अचीव किया है सी इज गोइंग टू शेयर विथ यू। तो आप लोग उसको सीखना और समझना कि हम लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, उसने क्या मिस्टेक नहीं किया जिससे वो आगे गई, क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से और आगे जा सकते, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। ऐसा समझ आ गया है कि जो आपका पहला पॉडकास्ट जैसे आप लोगों ने रिस्पांस किया वैसा ही इस बार भी रिस्पांस करोगे, तो डेफिनेटली हम लोग इस कारवा को बहुत लंबा लेके जाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। हमारी एक स्टूडेंट है और क्या बोलते हैं डेफिनेटली बीम के कैरियर, बीम में बहुत ही अच्छा कैरियर बना रहे। नाउ शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन कि वो क्या क्या कर रही है, एग्जैक्टली किस इंडस्ट्री में काम कर रही है। इनका नाम है मोनिका। तो चलिए मोनिका, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। हेलो सर। हेलो। या माय नेम इज मोनिका। मैं लास्ट 4 ईयर से मैं प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में काम कर रही हूँ। नाउ मैं अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुई हूँ BIM के लिए। ओके, सो लास्ट 4 ईयर में मैंने अपने स्टार्टिंग की थी लाइक कैड इंजीनियर से। बहुत ही मतलब लाइक लोग सोचते हैं कि कैड इंजीनियर होता क्या है भाई, क्यों ज्वाइन करना है 10-15 हजार की जॉब के लिए, राइट? यही होता है ना सर, करेक्ट करेक्ट। यही सब सोचते कि यार इतने से क्या होगा, हमने तो इंजीनियरिंग ऐसे की हुई है, ऐसा ड्रीम रहता है बस यही कि 10 हजार की जॉब तो हम करेंगे। एंड मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर बॉम्बे से फर्स्ट, करेक्ट। तो बॉम्बे जैसे सिटी में सर्वाइव करना इट्स टू डिफिकल्ट 15 हजार की सैलरी में, बहुत ज्यादा। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया था। आज के डेट में मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ विद इन 4 ईयर्स। काफी मतलब ये शॉर्ट टाइम में मैंने अपना ना ये सक्सेस बहुत ही ग्रोथ हो गया रिसीव किया, हाँ अचीव कर लिया है, राइट? तो अब सब लोगों के लिए बहुत ही स्मॉल पॉइंट है कि क्या गलतियां मैंने नहीं की और मैं क्या गलतियां करने के बाद सीखी हुई हूँ सेम टाइम। तो फर्स्ट थिंग मैं ये बता देती हूँ कि मैंने क्या गलतियां की थी अपने लाइफ में। जब मैं इंटरव्यू मतलब मैंने सर के पास से क्लासेस कर लिए, उसके बाद ना मेरी छोटी छोटी मिस्टेक थी, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं थी इंटरव्यू देने में। सब लोग फ्रेशर तो यही करते हैं कि इंटरव्यू देते देने से पहले यार क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कोई ये समझता ही नहीं है। तो बहुत ही नॉर्मली जो आप लोग पढ़ते हो सर से सेम थिंग, वो चीजें ना माइंड में रखो, क्या क्वेश्चन पूछेंगे फॉरगेट, ये टेंशन मत लो। कभी कभी ना आगे वाला वो क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे, बहुत ही सिंपल पूछता है आपको कितना नॉलेज है उस चीज के बारे में। स्पेशली फ्रेश कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मेनली अगर फ्रेशर हो तो। ध्यान रखना आप हमेशा कि आप कुछ किसी से बात करते हो कॉल पे वगैरह, ठीक है, फर्स्ट टाइम कि मैम आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्या, तो फर्स्ट थिंग आपको सब कुछ चाहता है ये चीज तो हमेशा याद रखो। आगे वाले पर्सन को आप कितना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो ये याद रखो, दैट्स इट। ये दो चीजें इतनी सही होती है लाइफ में कि आगे वाले पर्सन को ना ये सोचने का जरूरत नहीं, अच्छा यार ये पर्सन बड़ा सही है इसको मैं इंटरव्यू के लिए बुला लूंगा। क्योंकि आज के डेट में मैं खुद भी एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे और HR के तौर पे मैं दोनों भी चीजें करती हूँ, मैं इंटरव्यू भी लेती हूँ स्टूडेंट्स का। तो मुझे पता होता है स्टूडेंट्स लोग कितनी छोटी छोटी गलती करते थे, बहुत ही बेसिक चीज है जिसके कारण हम पहले अटेम्प्ट में CV देखते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, CV में क्या देख के रिजेक्ट करते हैं सबसे पहले ये बता दो सबको। CV में जैसे मैंने आपको रिसेंटली मैंने कहा था मेरे कंपनी में ओपनिंग चल रही थी, राइट? आपने काफी सारे स्टूडेंट्स को बोला था, बहुत ही सिली मिस्टेक्स की थी। तो उसमें से मुझे 25 मेल आए थे, उसमें से मैंने शायद 10 या 15 शॉर्टलिस्ट किए थे, बस 10 या 15। उसमें भी आधे से ज्यादा और कट हो चुके, मेरे सीनियर्स ने कट कर दिया, राइट? तो फर्स्ट चीज होती है आप मेल कैसे डालते हो, कोई जरूरत नहीं होती है लंबा चौड़ा मेल डालने की, 2 लाइन में लिखो खत्म कर दो, बहुत ही ज्यादा आपको रेफरेंस मिलता है ना तो और ज्यादा अच्छा होता है। आप सिंपली लिखो कि आपको इन सर ने रेफरेंस दिया है या फिर यहाँ से आपने प्रोफाइल को देखा, यानी कि लिंक्डइन से देखा हो या किसी ने रेफरेंस दिया हो, तो सिंपली लिखो कि मुझे यहाँ यहाँ से रेफरेंस मिला है, अगर हो सके तो आप हमारा CV देख लीजिएगा। मेन चीज यही होती है, अगर आगे वाले पर्सन को आप इंसिस्ट नहीं कर पाओ तो कोई फायदा ही नहीं है, राइट? और मैं दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपने अपने लाइफ में क्या किया है पर्टिकुलर उस ड्यूरेशन में,
अगर आपने फ्रेशर हो, मेन चीज फ्रेशर हो, तो आप सिंपली लिखो कि मैंने इतने इतने टाइम से क्लासेस कर रहा हूँ, मैंने ये चीजें सीखी है, दैट्स इट। क्योंकि आगे वाले पर्सन के पास ना इतना टाइम नहीं होता कि आपका पूरा लंबा चौड़ा मेल पढ़ते बैठे, किसी कौन देखेगा इतना के ढेर पास नहीं, सारा। कोई नहीं देखता है। मैं तो दो ही चीजें देखती हूँ मेनली, वो पर्सन कहाँ का बिलोंग कहाँ से करता है, उसको सॉफ्टवेयर का कितना नॉलेज है, और मेन अगर मेल में अगर मुझे कंटेंट्स ना दिखे ना, मैं तो रिजेक्ट कर देती हूँ वेरी फ्रैंकली सर, क्योंकि अच्छा इतने एक टाइम चीज, से एक ना। चीज एक बार तुम्हें इंटरप्ट करूंगा, जो तुमने बोला ना एड्रेस के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि एड्रेस एटलीस्ट लोकल रखो तो बेटर रहता है ना। लोकल एड्रेस हैदराबाद की ओपनिंग, अगर हैदराबाद ही रखा है तो मच बेटर होता है। बेस्ट, ये चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करती है, पता है। अगर आप ना सीवी किसी को भेजते हो, चाहे हैदराबाद हो, पुणे हो, बैंगलोर, कहीं भी आप इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर लोकेशन में, ठीक है, तो ट्राई करना वहां का कोई लोकल पर्सन हो तो उसी का एड्रेस डाल दो, ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आप थोड़ा दूर हो, कहीं पर्टिकुलर लोकेशन पे काम करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं उस लोकेशन का एड्रेस डालने में, तो क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आप डाल सकते हो करेक्ट, और बोल भी सकते हो कि हाँ मैं शिफ्ट होने में इंटरेस्टेड हूँ एंड ऑल दैट, तो इतना कोई दिक्कत होता नहीं है। बट बहुत फ्रेशर्स लोगों को प्रायोरिटी दिया जाता है कि आप लोकलाइट्स हो तो बहुत ज्यादा। जैसे हमारे कंपनी में शॉर्ट नोटिस पे अभी हम लोग हायर्स कर रहे हैं, तो जैसे मैंने सर से भी कहा था राइट कि मुझे हैदराबाद के अगर मिल जाते हैं तो बहुत इफेक्टिवली हो जाएगा, तो उसी में से हम लोगों ने कुछ सीवी शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यूज लिए थे। तो ये तो चीज होती है मेन प्लेस, हमेशा ट्राई करना अगर आप वहां के कोई फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, तो वही का लोकेशन डालना, ज्यादा इजी हो जाता है, द मेन थिंग। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और दूसरा, अगर आप किसी को भेजते हो, जैसे मैंने अभी मेल लिखने का तरीका बोला था, बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही शॉर्ट में शॉर्ट लिखना चाहिए, यस। और ना मेल भेजने का टाइमिंग होता है, एक चीज हमेशा याद रखना कि क्या होता है ना सर, हम लोग ना 2 से 3 बार मेल चेक करते हैं, हमारे पास दिन में इतने सारे काम होते हैं ना, हम लोग दिन भर मेल नहीं चेक करते, हमें हमारा काम होता है कि पर्टिकुलर मेल हमारे काम के वही देखते हैं, बाकी सारे रिजेक्ट कर देते हैं हम लोग। तो करेक्ट, टाइमिंग होते हैं उसी टाइम पे भेजो, तो ज्यादा मतलब लोग ज्यादा देखते भी है, मतलब सीनियर्स एंड ऑल दैट, जिसको भी आप एचआर को भेजते हो। करेक्ट। और कॉलिंग वाला जरूर बताना, एग्जैक्ट, कॉलिंग का क्या मिस्टेक रहता या सब मैं बताऊंगी मिस्टेक्स। अब है। कैसा होता है ना, ये लोग भेजते हैं रात शाम के 7:30 बजे के आसपास मेल, उसी टाइम पे कॉल कर देते हैं, मैम मैंने तो भेज दिया, प्लीज देख लीजिए। ऑब्वियसली अगर आपने भेजा है तो ऑब्वियसली मैं तो देखूंगी ही, अगर मैंने नहीं देखा है, नहीं रिवर्ट किया है, तो आफ्टर 1 या 2 दिन बाद आपको रिवर्ट करना होता है। तो मेन टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कैसा होता है सर, कि हम लोग जो मॉर्निंग 9 o'clock जैसा ऑफिस टाइमिंग होता है, 9 to 6 या फिर 10 to 6 ऐसा कुछ टाइमिंग होता है राइट, कंपनी टू कंपनी। तो मोस्टली लोग कैसा होता है ना, जैसे मॉर्निंग आते हैं सबसे पहले मेल चेक करते हैं, ओके। तो मेल का टाइमिंग होता है, अगर आप सुबह 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक भेज देते हो, दैट वॉज पिक टाइम, सब कोई मेल उसी टाइम पे आते हैं, चेक सब करते हैं। सारे के सारे मेल चेक किए जाते हैं। तो अगर किसी भी अगर इंटरव्यू शेड्यूल्स हो रहे हैं कंपनीज में, तो वो क्या करते हैं ना, वो टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि इसी टाइम पे हम लोग मेल चेक कर ले, पूरे दिन में नहीं चेक करते, ओके। एंड द सेकेंड थिंग होता है, सेकेंड टाइमिंग ऐसा होता है कि अगर आप आइदर लंच ब्रेक, अगर वो भी भेज दो कोई दिक्कत नहीं होता, और शाम के वक्त 4-5 बजे के आसपास, क्योंकि जाने से पहले हम लोग एक बार मेल चेक करते, कोई इम्पोर्टेंट मेल हो तो करेक्ट, ऑब्वियसली उस टाइम पे हम लोग रिवर्ट नहीं कर पाते रिवर्ट नहीं हैं, नेक्स्ट करेंगे, डे दूसरे रिवर्ट दिन करते करेंगे, हैं। बस एटलीस्ट देख हाँ लिया। एग्जैक्ट, एटलीस्ट हम देख लेते हैं कि हाँ ये सीवीज आए हुए, इसको निकाल के रख देते, नेक्स्ट डे रिवर्ट कर लेंगे करके। तो ये बिल्कुल 3 टाइमिंग होते हैं, मॉर्निंग 9 to 10, 10:30 एक मेल करने का टाइमिंग होता है, फिर आफ्टरनून लंच टाइम पे 1-1.5 बजे के आसपास आप मेल करके रख दो, क्योंकि उस टाइम पे एक बार मेल चेक होता है, और इवनिंग यानी कि 4 to 5 के बीच आप एक बार डाल के रख दो, क्योंकि 6 o'clock तो हम डेफिनेटली चेक करते ही है करेक्ट, एनी हाउ, तो वो जाते समय आदमी टाइमिंग तो चेक कर लेता फिक्स है, होता कभी है, निकलना है तो चेक कर लेते हैं। यस चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है ना कि वो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट तो मिला ही जाता है। तो ये टाइमिंग्स होते हैं, कभी भी रैंडमली कभी भी कोई भी टाइम पे मेल नहीं किया जाता है किसी भी कंपनी को, तो सही ये बात। चीज हमेशा याद रखना, अच्छा एक चीज और क्योंकि क्या बोलिए। होता है, हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ कंप्लीट करो तो पहले तो बस बात या ऑब्वियसली करते नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है ना, मैंने इस बार ना सबसे मेन चीज देखी है लोगों की, कोई भी रैंडमली टाइम सर भेज देते हैं, भेजना ठीक है, कॉलिंग बहुत इरिटेट होता है। हाँ। और मेन अभी जैसे अभी कॉलिंग की बात हुई है, रात के 12:30 बजे एटलीस्ट आपको अगर किसी ने डेजिग्नेशन, नॉर्मल एक एचआर तो लिखा हुआ नहीं है, समवन इज मैनेजर पोस्ट, आप उस
पोस्ट आपने ऑब्वियसली अगर भेजा होगा तो सबको मेरा नाम एड्रेस सब कुछ भेजा है राइट, तो आप किसको मैसेज कर रहे हो? रात के 12:30 मुझे मैसेज करके बोलते हैं, सर मैम मैंने आपको मेल कर दिया है। इट्स 12:30, दिस इज माय पर्सनल नंबर और ऑफिशियल नंबर कोई भी हो, 12:30 कौन सा टाइमिंग होता है रात के? नहीं, नॉट अबाउट द डिस्टर्बेंस, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल टाइम। सबका पर्सनल टाइम होता है, आफ्टर 6 o'clock आपका कोई भी कॉल या फिर मैसेजेस का रिवर्ट नहीं होता है। अगर आप उस टाइम पे मैसेजेस कॉल करते हो तो सिंपली समझ जाओ रिजेक्टेड हो आप। कोई भी आपको कॉल रिवर्ट नहीं करेगा, इवन आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। सही बात है, एग्जैक्टली। तो अगर मेनली अगर बहुत ज्यादा है, अगर आपका 1 या 2 कन्वर्सेशन होता है आगे वाले पर्सन से, तो यू कैन कॉल लाइक 6:30, 7 o'clock इन वर्स्ट कंडीशन, मैक्स टू मैक्स, अदरवाइज उससे बात कॉल नहीं किया जाता है। मुझे वो रात के 12:30 मैंने सडनली मैसेज देखा ऑफिस के इसमें, मतलब मेरा दूसरा अकाउंट है, तो अरे इस टाइम पे मैसेज कौन किया है? फिर चेक करती हूँ, ये तो एक स्टूडेंट, हाँ एक स्टूडेंट है, इन्होंने इंटरव्यू के लिए मेल किया है। देन आई वॉज आस्किंग दिस इज द राइट टाइम टू मैसेज, वो बोलता है नहीं मैम सॉरी। तो आप मैसेज अगर नहीं पता है ये चीज तो क्यों किया है राइट? ये बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर लेते हैं प्रेशर्स, और इवन दैट ना एक्सपीरियंस कैंडिडेट आल्सो। और उनको भी एक्सपीरियंस को भी ऐसा होता है कि ठीक है अपन कर लेते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं करना चाहिए, आपका एक ऑफिस टाइम है उस पे करो, सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे कि अभी कई लोग सोचते हैं कि यार गर्ल्स के लिए खासतौर से होता है ना सिविल में अपने, कि तुम्हें भी ऐसे बोले होंगे कि अरे इसमें कुछ नहीं हो सकता है, इसमें गर्ल्स को ऑब्वियसली बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो उनको बताओ कि गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छे से डिमांड है, बस सही प्रोफाइल चूज करना है, राइट? एग्जैक्टली, सही। एक चीज सिंपली बता देती हूँ, गर्ल्स ना ये सोच फैमिली बिलोंग्स कहाँ से करती है या फिर आप किस तरीके से, वो दो चीजें डिपेंड करती है। लेट मी क्लियर, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरी सिस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसका मतलब एक शॉर्ट बता देती हूँ आपको स्टोरी। मेरी सिस्टर ने सोचा था कि मैं सिर्फ ऑफिस में काम करूंगी, दैट्स इट। उसने इंटरव्यू भी उसी बेस पे दिया था, मैं ऑटोकैड में जाके कुछ प्लानिंग कर लूंगी, सर दे देंगे, तो दैट्स इट। बट ना विद इन 2 months उसका ऐसा हुआ कि उसको साइट पे भी जाना पड़ा, एंड वो आज के डेट में साइट पे, लास्ट 3 years से वो काम कर रही है साइट पे मुंबई में ही, एज अ सुपरवाइजर, एज अ इंजीनियर काम कर रही है। सोचो, हाँ। और अभी मैं पूछती हूँ कि कोई कंपनी में इंटरव्यू दे दो कुछ अच्छे जगह, तो बोलती है नहीं दीदी बहुत अच्छा है मेरे साइट जॉब, बहुत बढ़िया है, मैं कर लूंगी साइट जॉब। हर वर्कर से डील करती है, तो लड़कियां कभी किसी से कम तो होती ही नहीं है, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है बहुत छोटी छोटी चीजें। सही बात है, और इवन ऑफिस की भी बहुत से अच्छी अच्छी जॉब्स हैं जिसमें वो आराम से अपने करियर, जैसे तुम्हारा भी करियर, अभी तुमने बीम में शिफ्ट किया, आप बताओ कि बीम में क्यों शिफ्ट किया, इसका भी रीजन बता सबको। हाँ, एक चीज बता देती हूँ, मैंने स्टार्ट किया था कैड इंजीनियर से, मैंने काम किया है एज अ प्लानिंग सेक्टर में, मतलब मैंने काम ही प्लानिंग में ही किया है, डिटेलिंग डिजाइन मेरा बहुत कम रहा है हमारे कंपनी का स्पेसिफिकली, बट मैंने पूरा प्लानिंग, यानी कि जो भी अगर प्लानिंग बोल दोगे स्पेसिफिकली पोर्ट एंड मरीन सेक्टर, मैंने बिल्डिंग डिजाइनिंग में काम नहीं किया है, मेरा मेन सेक्टर ही पोर्ट एंड मरीन का, तो जो भी पोर्ट्स के प्लानिंग होते हैं आई कैन पर्सनली डू, तो वो चीज है। अभी कैसा हुआ है ना, आज के डेट में बहुत पहले से BIM का ना पिकअप पकड़ चुका था, बट ना हमें पता ही नहीं था वो एक्चुअली BIM क्या होता है ना, बस 3D मॉडलिंग में काम करना है, सर आपको भी बोलते थे ना सर आर्किटेक्चर में काम करना है, हमें जाना तो उसी में है बस, और या फिर हम बोलते थे सर स्ट्रक्चर में काम करना है, हमें ऐसे ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग तो करनी ही नहीं है, यही बोलते थे, बस यही बेसिक चीजें पता थी। तो उस टाइम पे ना अगर शायद ऐसा लगता है कभी कभी कि उस टाइम पे थोड़ा ध्यान दे दिया होता ना तो आज कई और होते थे, यही सोचते हैं, बट इट्स ओके, ये सारी चीजें तो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। बट ना काफी टाइम से BIM चलते आ रहा है, ठीक है, हम अभी अभी तो पीक बहुत अच्छा पकड़ चुका है मार्केट में, तो BIM के बहुत सारे ओपनिंग निकलते हैं आज के डेट में, बहुत सारे। इवन दैट मुझे हमारे कंपनी में, मैंने क्योंकि रिसेंटली स्विच किया है अपनी कंपनी को, तो हमारे भी कंपनी में अभी BIM के लिए ओपनिंग निकली हुई है। अपना पैकेज ही बताना सबको क्योंकि लोग परेशान रहते हैं, सिविल पैकेज ही नहीं है, सिविल पैकेज ही नहीं है, तो सबको बताओ कि करियर ग्रोथ में ना एक चीज हमेशा ये चीज होती है, लोग ये सोचते हैं सर कि पैकेज नहीं है, थिंग इज दैट पैकेज होता है आपके कैपेबिलिटी पे। एग्जैक्ट थिंग इज दैट मैंने शुरुआत की थी 15,000 पे, ठीक है,
आज मैंने 4 साल कंप्लीट किए, आज मैं अभी के डेट में 50,000 कमा रही हूँ राइट नाउ विद इन अ 4 ईयर. तो कैसे कमा सकते हो आप इतना पैकेज, चाहे लड़का हो या लड़की हो. मार्केट वैल्यूज आई नो दैट इससे थोड़ी कम है. जैसे मैं बोल रही हूँ आज मैं 4 साल में असिस्टेंट मैनेजर बन गई हूँ. थिंग इज दैट कि मैंने 56 लाख का पैकेज उठा लिया है. एवरीथिंग इज साइड. आप इसको ना अलग से रखो. मार्केट वैल्यूज ऐसी है कि 3 साल 3.5 साल के एक्सपीरियंस वाले को 30,000-35,000 स्टैंडर्ड सैलरी है. आप ये मत सोचो कि बहुत बूम है, बहुत मिल जाएगा सैलरी, ऐसे मत करो. स्टार्टिंग अगर 10,000-15,000 से जॉब मिल जाती है ना तो स्टार्ट कर दो. क्योंकि क्या हो जाता है ना करियर में ना, ये छोटी छोटी पॉइंट्स ना बड़ी जल्दी पिक पकड़ लेता है. क्योंकि विद इन 3 ईयर्स मैंने ना अपने डेजिग्नेशन में ना कभी कोई डेजिग्नेशन सुना ही नहीं. मैंने सिर्फ कैड इंजीनियर और डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर, बस दो ही डेजिग्नेशन सुने करते रहे, बस अपने आप डायरेक्शन मिलता रहा. हाँ यस. और जैसे आपने बोला था लड़कियों के लिए ना, लड़कियों के लिए साइट हो या ऑफिस जॉब हो, बोथ आर गुड. ऐसा नहीं बोलती जाके लड़कियों साइट पे काम करे. बट ना कैसा है, लड़कियों को ऑफिस वर्क के लिए बहुत डिमांड है. लड़कियों को ना स्पेशली हायर ही इसीलिए किया जाता है कि उनका ना थिंकिंग बहुत ही अच्छा होता है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू बॉयज. ये चीज आप भी मानते हो राइट सर? मैं मानता हूं, मैं खुद टीच करता हूं, तो मैं कभी-कभी देखता हूं कि मेरे से अच्छा कलर का रिप्रेजेंटेशन वो कर लेते हैं और क्या बोलते हैं उतने अच्छे इफेक्टिव नहीं हो पाता है. तो इसमें तो एग्री कि इसमें हां वही होता है कि बहुत क्रिएटिव माइंड होता है करके लड़कियों को स्पेशली आर्किटेक्चर के लिए लिया जाता है. आज के डेट में जैसे जॉब ओपनिंग की भी बात कर ली थी इसी में, तो अगर आप जैसे सर्च करते हो जॉब, सर तो आपको आए दिन बताते रहते हैं कि कहाँ ओपनिंग है और नहीं, बट अगर आप खुद से भी ढूंढते हो फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन, तो ना मोस्टली क्या करते हो, लिंक्डइन, naukri.com, मॉन्स्टर, अपना ऐप, बहुत सारे ऐप्स है, क्योंकि मैंने भी इसी में से ढूंढती रहती थी. बट और एक चीज होती है गूगल पे डायरेक्टली सर्च करने का, जो कोई ढूंढता ही नहीं है डायरेक्ट. मैं उसी से बताता हूँ सबको, मेरे बताने का मतलब नहीं, ये लोग देखते ही नहीं. सब लोग ये बोलते हैं लिंक्डइन पे देखो, naukri.com, सब जगह देखो. बट ना मेन रिसोर्स होता है गूगल. गूगल पे ना सिंपली लिखो कि BIM के लिए जॉब ओपनिंग चाहिए. हम लोग BIM की बात कर रहे हैं तो BIM का ही बात करते हैं. BIM जॉब ओपनिंग इन बॉम्बे, पुणे, बस इतना लिखो. उसके नीचे ना लिस्ट कितनी तो भी लिस्ट, बड़ी सी लिस्ट आ जाती है. और वहां पर लिखा होता है कैसे कौन से जगह से अप्लाई कर सकते हो. समटाइम्स वाज लाइक वो लोग ना कंपनी लोग क्या कर लेते हैं कि naukri.com में डाल के रख देते, बट हमें नौकरी में मिलता नहीं है वो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद. तो वहां पर लिखा हुआ था टैगलाइन में कि आपको अगर अप्लाई करना तो नौकरी से करो, मॉन्स्टर से करो, लिंक्डइन से करो. और ना और एक इजी चीज होती है सर, पता है आपको तो पता ही है, कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है सब कुछ. आप उसके कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, सीधा अप्लाई कर दो, बस और कुछ करना नहीं होता. और अगर पर्सनल एचआर का मेल आईडी मिल गया तो सबसे बेस्ट, बट एचआर को कॉल करना नहीं होता है. मेन चीज देते हैं एचआर को डायरेक्टली कॉल करना नहीं होता है. जब तक आप उनको CV भेज के 2-3 दिन में रिवर्ट नहीं आता है तब तक एटलीस्ट 2 डेज या 1 डेज आपको होल्ड करना होता है. किस दिन ओपनिंग निकलती है तो 2 डेज बिफोर, 1 डेज बिफोर या 24 आवर बिफोर, जैसे लिख के आता है ना उस हिसाब से आप मेल भी करते हो राइट. उसी के बाद तुरंत आपको अगर जैसे 2 डेज बिफोर है तो आज आपने मेल कर दिया टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग के इसमें, नेक्स्ट डे आप कॉल करके पूछो मैम मैंने आपको CV भेजा है ठीक है. 1 डे बिफोर है या 24 आवर बिफोर है तो 2 दिन बाद कॉल करो, ताकि ना एक टाइम लगता है हर किसी को चेक करने के लिए. चाहिए एक्चुअली. और पता क्या होता है, जैसे कि एक बार कोई इंटरव्यू दे के आया, फर्स्ट राउंड दे के आया, तुरंत कॉल, मैडम रिजल्ट, थोड़ा पेशेंस दो उनको, ये बड़ा बस चेक करते हैं लोग. नहीं क्योंकि क्या होता है ना, आप अकेले बंदे नहीं होते. exactly. उसके साथ ना और 15 लोगों के हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं, तो हमें देखना होता है कि कौन बेस्ट कैंडिडेट है. द सेम टाइम मैंने अपना जब मैंने स्टार्ट किया था ना सर, जब मैंने इंटरव्यू दिया था, फर्स्ट इंटरव्यू मैंने मैकेनिकल के कंपनी में दिया था, जो मैंने रिजेक्ट कर दिया था मुंह पे कि मुझे मैकेनिकल में नहीं करना, मैं सिविल की स्टूडेंट हूँ, मुझे सिविल में काम करना राइट. तो मैंने जब सिविल की इसी जहां पर मैं अभी काम कर रही हूँ ठीक है, वॉइंट सोल्यूशन करके, तो वहां पर कैसा था, मुझे 3 महीने होल्ड पे रखा था. 3 महीने तक कोई बोले ही नहीं. 3 महीने मतलब आपको रुकना, पेशेंस भी बहुत जरूरी होता है. अब सोचो अगर यहाँ पर 3 महीने तुम परेशान कर देती हो तो फोन करके, तो फोन पे ही रिजेक्ट करते.
ऑब्वियसली, मतलब अगर वो कैंडिडेट मतलब आगे वाले सर बोलते हैं कि आप शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं बट आपको रुकना है, तो आप 15 15 दिन बाद या 1 महीने बाद कॉल कर सकते हो एक रिवर्ट लेने के लिए कि इज देयर एनी प्रोसेस, आपका कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है उसके लिए. नहीं तो आप बाहर दूसरी जगह भी जॉब ढूंढते रहो, कोई जरूरत नहीं है उस कंपनी के लिए रुकने की, बट आपको पेशेंस भी बहुत जरूरी होता है अगर उसी कंपनी में जाना हो तो आपको, सही बात है. राइट. तो ये पेशेंस लेवल भी बहुत चेक किया जाता है स्टूडेंट्स लोगों का भी, तो ये तो मेन है ही अच्छा एक चीज इसके और मैं साथ. पूछा इसी में ऐड करूंगा, जैसे कि कैसे होता है कि कंपनी में कैसे होता है कि एक तो होता है कि लोग एक तो बहुत जल्दी जॉब छोड़ते हैं, मतलब 1 महीने के अंदर कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म चले जाते हैं. तो तुम बताओ कि यस तुम्हारा तुमको क्या लगता है कि एक्यूरेट क्या टाइमिंग होना चाहिए कि भाई इतने दिन एटलीस्ट एक जॉब्स में सर्वाइव करना चाहिए, तुम्हारा क्या है एक इसमें? करियर करियर ग्रोथ के हिसाब से दो चीजें होती है सर. एक्चुअली देखो, मिनिमम जैसे एक्सपीरियंस पर्सन क्या कर देता है ना, पहली जॉब को थोड़ा लॉन्ग टर्म चलाता है फिर फटाफट स्विच कर देता है. इट्स अप टू चॉइस. आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, वो तो उनका चॉइस होता है क्योंकि चॉइस उनके पास उतना टैलेंट होता है. टैलेंट बट है. फ्रेशर फ्रेशर के लिए ना, मैं मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ऐसे कि फ्रेशर वालों ने ना मिनिमम 2 साल तो कम करना ही करना चाहिए. करना चाहिए आपको जीरो नॉलेज होता है, आपको नॉलेज ही नहीं होता है पहली बात कर तो 2 साल काम करो इसलिए, और ना बहुत ही प्रोडक्टिविटी के साथ काम करो, आगे वाला पर्सन ना इम्प्रेस हो जाए आपके विद इन अ हाँ 6 month इम्प्रेस हो जाए करेक्ट यार इस बंदे को ना मैंने लिया है ना तो बस बढ़िया. बेनिफिट हो रहा है. अगर वो रेजिग्नेशन डालो ना आप हाँ तो दस रोके बार रोए, इवन दैट हाँ आपको सीनियर्स कॉल करे यार डोंट गो, ऐसे मत करो, आपके सिवा तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस तरीके से ना रियलाइजेशन करवाओ. तो मिनिमम 2 साल तो आप काम करना चाहिए मेरे और हिसाब मुझे से. लगता है 2 साल तो एकदम एक्यूरेट टाइम बताया तुमने. और उसके अलावा मुझे लगता है बहुत कि सही टाइम तब होता तक है. कि जब तक कि तुम पूरा सीखते नहीं हो एक कंपनी के अंदर पूरा प्रोसेस कि एग्जैक्टली क्या क्या काम यस है, जब तुम्हें लगे कि अब सीखने को कुछ नहीं बचा है, तब तुम सोचो कि चलो नेक्स्ट प्लान करते हैं. ठीक है अगर आपको कुछ न्यू सीखना है देन हाँ ओके, बट एक कंपनी में ऐसा होता है सर कि बहुत कुछ सीखने बहुत को कुछ होता है, सीखने को रहता है बहुत कुछ सीखता है बहुत. अभी मैंने स्विच किया बट मुझे तो बीआईएम में जंप करना था क्योंकि पता है अब तो मार्केट बीआईएम के लिए है, बहुत अच्छा करेक्ट ग्रोथ है. तो मैं जहाँ थी अभी तक तो मैं प्लानिंग एंड डिजाइनिंग के लिए काम कर रही थी, अब डिटेल डिजाइनिंग आ रही है, वो कंस्ट्रक्शन चलने वाले अभी उसके लिए. ओके तो ऐसा हो चुका है कि वो लोग बोल रहे कि प्लीज आप मत मत जाओ जाओ, हम, हाँ इवन हम पैकेज मेरा मैच कर रेजिग्नेशन, देंगे. हाँ नहीं एग्जैक्टली उन्होंने तो विद इन मतलब ऐसे बोल सकती हूँ कभी मैंने कंपनी में सुना है कि 10% 15% इंक्रीमेंट होता है, 35% इंक्रीमेंट एक कंपनी में कोई देता है स्पेशल नहीं बहुत कम, जब हम बहुत बोन. अच्छा किए रहे तभी वो अपॉर्चुनिटी आने वाली. एग्जैक्टली तो जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने स्टार्टिंग 15 हजार से स्टार्ट किया था, मैंने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि सर कोविड भी आ चुका था तो करेक्ट उस टाइम पे सबकी सैलरी डिडक्ट हो रही थी. करेक्ट तो मेरे सर ने मुझे बोला था मोनिका तुम्हारा शायद सर्वाइव नहीं हो सकता, हम आपको 5,000 एडिशनल यानी कि मेरा इंक्रीमेंट करवा दिया था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. तो वो वो ऐसा था मार्च टू मार्च होना चाहिए था राइट, तो वो मार्च भी नहीं हुआ था, मेरा दिसंबर से चालू कर दिया था सडनली जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक कि मेरा सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं था एंड वेरी बेस्ट कैंडिडेट ऑल्सो उस टाइम पे. सबसे तो ज्यादा ऐसा था बेस्ट कि कैंडिडेट की वजह से, क्योंकि सर्वाइव का कंपनी को ज्यादा बहुत टेंशन ज्यादा नहीं होती है, टेंशन होती है हाँ कंपनी सस्टेन करे एम्प्लॉई. एग्जैक्टली तो उनको ऐसा था कि यार ये छोड़ के ना चली जाए, इनको तो देना ही है. तो करेक्ट उन्होंने मेरा सैलरी उस टाइम पे बढ़ा दिया. उसके बाद मेरा सेकेंड फर्स्ट इंक्रीमेंट अब बोल सकती हूँ, वो तो करेक्ट मुझे स्पेशली मिला गया था बोनस करेक्ट फर्स्ट इंक्रीमेंट. तो फर्स्ट इंक्रीमेंट में क्या कर दिया था उन्होंने, 10% मुझे सैलरी में दिया था ओके और 5,000 स्पेशल एक्स्ट्रा दिया था एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया था. बट ये 5,000 उन्होंने कहा था आप छोड़ के जाओगे बीच में, क्योंकि क्या होता है ना मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं जैसे सैलरी हाइक मिल गई छोड़ दिए छोड़ दिए. कंपनी. कंपनी का एक रूल है, कंपनी को जैसे आप पता होता है कि मार्च में इंक्रीमेंट हो जाता है ना करेक्ट तो उसके 3 4 महीने बाद प्रोसेसिंग करके ना वो सैलरी स्लिप में लिख के देते हैं. लिखते हैं. और उसका हाँ ये भी तो रहता है एग्जैक्टली कि 3 महीने का सैलरी स्लिप भी तो मेंशन करना होता है हर जगह पे, वो यस सबसे यस इम्पोर्टेंट बहुत है. जरूरी थे. हाँ तो वो क्या करते कंपनी भी बहुत माइंड गेम खेलती है कि आपको सडनली छोड़ के चले जाओगे, उनको पता है कि वो जा ही नहीं सकता है. जा तो ही नहीं उन्होंने क्या सकता. किया था मेरा पूरा साल भर का ना पूरा 5 5 हजार करके ऑलमोस्ट एक 60 70 थाउजेंड ना मेरा होल्ड करके रख दिया था. तो ये भी चीजें होती है. तो अपना परफॉर्मेंस कितना अच्छे से करते हो सब कुछ उसी पे होता है. उसी को आप होता है. कितने देर कभी माइंड का कैसा होता है ना, आप कितना काम करते हो, नाइन करेक्ट टू सिक्स का काम है, आप उतने में लिमिटेड नहीं रहो. मेन चीज है
एक्सटेंड करना सीख लो. एक्सटेंड करना मतलब जरूरत के वक्त, नॉट एवरी टाइम. मतलब बोल दिया सर ने मैं बैठ जाऊंगा, मैं बैठ रात जाऊं, को 10 बजे नहीं. बैठे हैं. हाँ ऐसे नहीं, काम है जेन्युइनली तो आप रुको, सीखो कोई साथ में है तो, करेक्ट, चाहे वो 10 बजे या रात के 1 बजे, डजेंट मैटर. डजेंट मैं एक लड़की मैटर. होके रात के दो दो तीन तीन बजे तक काम की एवरी डे, ये हाँ मतलब चीज हुई अगर है प्रोजेक्ट मेरे. आ गया तो देखो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन तो जरूरी है ना. ठीक है, अगर उसका डेडलाइन प्रोजेक्ट है तो कंप्लीशन और विदाउट कंप्लीशन भी मैं रुकी हूँ सर, सिर्फ सीखने के लिए, हाँ वो सिर्फ तो डिपेंड सीखने के करता लिए है भी कि अगर रुकना हमको होता वो है. चीज लग रहा है कि यार ये सीख लेंगे हमारे लिए बेटर है, गो फॉर नहीं, दैट. बहुत जरूरी. तो यही होता है फ्रेशर के लिए बेनिफिट, यही होता है कि जितना चीजें आप ना अपने सीनियर से सीख लो, क्योंकि क्या होता है ना वो टाइम मिल जाता है उनसे सीखने का, और करेक्ट सीखने के बाद ना 2 3 साल बाद छोड़ दो अपनी कंपनी, करेक्ट, बेनिफिट्स आप, क्योंकि आपका क्या होता है ना इससे ना आपका पैकेज पे बहुत बहुत इम्पैक्ट इम्पैक्ट पड़ता पड़ता है, है. प्लस दूसरी बहुत ज्यादा कंपनी को इम्पैक्ट लगता है पड़ता यार है. ये अगर इसको हायर किया तो ये काफी दिन तक रुकने वाला है, रुकने वाली है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट होता एग्जैक्टली है. exactly. हाँ, और अब जब जैसे कि आप इंटरव्यू पे जाते हो तो पूछा जाता है आप लोगों को मेन क्वेश्चन कि आप कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हो हमारे कंपनी के लिए, करेक्ट, राइट? तो मोस्टली स्टूडेंट क्या आंसर देते होंगे सर? मोस्टली तो आंसर पहले तो वो अपनी जो रियलिटी रहती है वो बताएंगे कि भाई हम कई लोगों को मैंने ये देखा है ना, कई लोगों को तो सेंस हो चुका है क्योंकि मैं पूछ लेता हूँ इंटरव्यू में, बट कई लोगों को ऐसा होता है वो बोलेंगे कि 5 साल तक हम आपके यहाँ पर कंपनी में सर्वाइव करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, और कुछ लोग मतलब इस तरह कॉमन आंसर्स रहते हैं लोगों सबके, तो ये मैंने देखा हुआ है. हाँ, तो इसके आंसर के ना तरीके होते हैं. अब किसी कंपनी को अगर किसी ने पूछ लिया, जैसे मुझे पूछ लिया था, आज मैं लड़की के हिसाब से मैं एक आंसर देती हूँ. तो मुझे पूछा गया था कि अब जैसे मेरी एज थी उस टाइम पे, कुछ शायद याद नहीं है, छोड़ो. तो कैसा था तो वो कैसा होता है, तो उस टाइम में मुझे पूछ लिया था कि शादी प्लान आपका शादी का क्या प्लान है. मेन फिक्स चीज है. होता है जैसे कंप्लीट हो जाता है, मुझे पूछ लिया था आपका कोई शादी का प्लान है, आप लॉन्ग टर्म कितने साल तक रह रह सकते हो सकते हो. कंपनी में. तो वेरी एक लड़की के लिए तो बहुत सिंपल आंसर होता है, और सिंपली आंसर देना होता है कि एक तो आप शिफ्ट हो रहे हो किसी लोकेशन के लिए, तो और आपको पता है आपका शादी का कब, 2 साल हो या 3 साल हो, सबको पता ही होता है मोस्टली क्या प्लानिंग है. करेक्ट तो करेक्ट. जैसे मैंने अपने टाइम पे आंसर दिया था सर को कि सर मैं मिनिमम 3 से 4 साल आपकी कंपनी में काम करना पसंद करूंगी, अगर शादी भी हो जाती इन फ्यूचर और मैं यही इसी सिटी में रहती हूँ तो आई कैन कंटिन्यू, मतलब मैं उसी प्लेस पे हूँ, मैं कोई टारगेट लाइन नहीं दे रही हूँ, बट अगर करेक्ट, मैं इसी सिटी में हूँ, वन सिटी, तो मैं ऑब्वियसली आपके फर्म के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैक्सिमम काम लोग ना करना. इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं. यस एग्जैक्टली वो बोल देते तो कि एक यही साल में होता ऐसा है. कुछ अगर हम करने वाले हैं कि एक साल में हमारी प्लानिंग हो रही है, तो वो समझ जाते हैं कि यार अपने को लॉक नहीं है कुछ भी एग्जैक्टली इसमें, हाँ, नमस्ते बोलो. इसीलिए मैंने ये पॉइंट उठाया, हाँ क्योंकि क्या होता है ना, हमने भी अभी कुछ सीवीज जब देख रही थी ना मैं, तो मेरे सर ने जैसे कुछ लोकेशंस देख लिए, किसी किसी के कंटिन्यू स्विचिंग्स देख लिए, तो बोले वेरी फ्रैंकली, ऐसे बोलते हैं कि बिहार के लोग शिफ्टेड होते हैं, ठीक है, 2 से 3 लोग शिफ्ट हुए और उनके मैक्सिमम मैंने सीवीज देखे थे, बहुत ही क्विकली चेंजेस किए हुए हैं. वो पहले अटेम्प्ट में सर ने बोले ये ज्यादा दिन तक रहते नहीं है, बोले रहते ही नहीं, मतलब ओपिनियन देखो आपके बारे ओपिनियन में क्या देखो, हो जाते हैं, थॉट राइट? प्रोसेस. यस एग्जैक्टली. आप अपने सीवी में ही वो क्लियर कर देते हो कि आप विद इन अ मंथ आप चेंज कर रहे हो, विद इन अ ईयर करेक्ट चेंज कर रहे हो, तो सोच लेते कि यार ये अपने कंपनी में ज्यादा दिन रहेगा नहीं, करेक्ट करेक्ट. उनको चाहिए होता है लॉन्ग टर्म लॉन्ग कैंडिडेट, टर्म, लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म. मिनिमम 2 साल तो चाहिए होता है यहाँ काम तक कि करे. मैंने कई कंपनी में देखा है कि वो लोग लड़कियों के एज भी देखते हैं, उसके हिसाब से हायरिंग करते हैं. या तो क्या बोलते हैं, 30+ जब मैरिड है तब वो करेंगे, और या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा यंग में है तब करेंगे, क्योंकि उनको डर रहता है कि बस यही प्रॉब्लम हो जाएगी मैरिज के लिए. गर्ल्स के लिए मैंने स्पेशली ये देखा हुआ है. हाँ एग्जैक्टली ये चीज तो बहुत कॉमन होती है, तो इसीलिए मैंने बोला. तो वो एक ड्यूरेशन होता है जब आप इंटरव्यू दे देते हैं ना कि यार नहीं हम तो कर लेंगे, तो वो आगे वाला ना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ओके ये तो मिनिमम 3 से 4 साल तो रहेगी, रहेगा. ओके रहेगी, अगर नहीं उसके बाद तो उनको भी पता है कि शायद अगर चेंज होता है तो चेंज हो ही जाएगा, और कमिटमेंट बहुत बड़ा वर्ड बहुत होता है, अगर आप किसी को कमिटमेंट कर दो वो चीज का तो करना चाहिए, करेक्ट. मेन चीज होता है. क्योंकि मैंने अपने साथ में जब भी मैंने स्टार्ट किया हर चीज का कमिटमेंट दिया है, मैं ये कर लूंगी डेफिनेटली, मैं किसी भी हालत में करके देती हूँ, अच्छा इसका तो ये बताओ, चाहे इसमें एक चीज होता है बॉन्ड का होता है, कि कोई लोग बोलते हैं कि 2 साल का बॉन्ड करना है. ठीक है, अभी लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 2 साल का बॉन्ड आया तो वहीं पर उनका माइंड चलता रहता है, यार 2 साल कौन रुक पाएगा यहाँ पे, उनको क्या करना है, उनको क्या बोलोगे? मैंने जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना सर, हाँ मिनिमम 2 साल तो आपको एक कंपनी में काम करना ही है, रखना है.
तो क्यों सोचना क्यों सोचना अगर कंपनी कंपनी अच्छी है, क्यों ही क्यों सोचना। सोचना तो ये चीज ना पहले तो दिमाग में निकाल देना चाहिए कि बॉन्ड है, ठीक करेक्ट है। हाँ, 3 से 4 साल का बॉन्ड है देन आप सोच सकते हो, सोच सकते हो, बट इतना लॉन्ग टाइम बॉन्ड कोई करता ही करता नहीं नहीं है, है और ठीक है। करेंगे भी तो एक टर्म्स एंड साल या कंडीशन दो देंगे साल वो। सिंपली है, अगर आपको कोई, अगर आप किसी स्टूडेंट को सिखाते हो तो आप ये भी सोचते हो कि रिवर्ट में भी कुछ आया, राइट। सेम चीज अगर कंपनी कुछ सिखाती है तो उसके रिवर्ट में कंपनी भी चाहती है ना कि उनको एग्जैक्टली भी रिवर्ट में और रिवॉर्ड में कुछ कुछ मिले। कुछ सही बात है एग्जैक्टली बिल्कुल तो वो 2 साल का बॉन्ड या 1.5 साल का बॉन्ड साइन करवाते हैं, बाकी करेक्ट ज्यादा कोई रीजन नहीं होता। बट अगर 2 साल का बॉन्ड आता है तो अगर कंपनी जेन्युइनली बहुत अच्छी है, चाहे इंडिया बेस्ड कंपनी हो, एमएनसी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, कंपनी और हो वो जेन्युइनली बहुत अच्छी है, उनका प्रोफाइल काफी अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, तो करेक्ट मैं तो बोलती हूँ आँख बंद करके ना सबसे पहले ना सिग्नेचर कर लो भाई, और कोई सेफ हो जाता जरूरत है, नहीं जॉब सेफ हो जाता है। एग्जैक्टली नहीं 2 साल एक तो सेफ हो जाता है, वो निकालता नहीं, परमानेंट हो जाते हो ऐसा लगता है, वही पर बोला मैंने। काम एकदम हाइक पे पकड़ लेना। और एक चीज है कि अगर 2 साल का बॉन्ड सिग्नेचर कर लेते हो और इस बीच में वो लोग तो आपको निकालेंगे नहीं, अगर करेक्ट निकाल लेते हैं तो आपका लॉस कुछ है नहीं। लॉस कुछ नहीं। पहले तो ये चीज ध्यान रखना, बट उस टाइम पे ना ये मत सोच लेना कि आप काम नहीं करना चाहते हो, काम तो बहुत करना पड़ता है उस टाइम पे, वो बॉन्ड ही इसलिए साइन करवाते ताकि आप काम कर लो। काम कर लो। नहीं तो बहुत अच्छा, एग्जैक्टली अच्छा तुमने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट ऐड कर दिए। कई लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि क्या बोलते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी कि अप्लाई कब करना है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज तुमने बहुत यस अच्छी चीज बताई कि जॉब सर्च कैसे करना है। सबसे बेस्ट होता है, मैं वही बोलता हूँ सबके, गूगल सर्च मारो, फट से सबसे अच्छी जॉब सर्च मिल जाती कोई जरूरत नहीं होती नौकरी पे जाके अप्लाई करते, बट उसमें भी डालो यार, बट है। ना मेन ये चीज सबसे बेस्ट है। जितने जल्दी होना है, काम चाहिए, हाँ आउटपुट जल्दी चाहिए, तो सिंपली सर्च करो, कंपनी की लिस्ट लिखो फटाफट से अपने करेक्ट हाथों से, मैन्युअली लिस्ट करो, नेक्स्ट डे उस टाइम पे सबको फटाफट एक कॉमन मेल लिख लो करेक्ट, नॉर्मली, कवर और लेटर ही सबको टाइप बना कॉपी लो, पेस्ट, बस एक यस कवर लेटर कॉपी बना पेस्ट कॉपी करके, पेस्ट करते हाँ जाओ। और उसमें यस वही एग्जैक्टली बहुत बहुत लेंथी मत कर दो। अब बहुत मतलब ऐसे भी नहीं कि बस खाना पूर्ति कर दिया, बस रिज्यूम डाला, बस जाओ, ठीक है ऐसा भी नहीं करना हाँ है। रेफरेंस प्रॉपर हाँ लिखना है। एग्जैक्टली और मैंने एक दो सीरीज के मतलब मैंने देखे, आप लिखते हो ना 2 बार पढ़ लो भाई, 2 बार मेल को जरूर मेल को पढ़ो, पढ़ लो। क्योंकि ना सब्जेक्ट में आप पूरा का पूरा मैटर लिख के भेज देते हो और मैटर में अच्छा कुछ नहीं ऐसे भी होता करते है, हैं मैंने सब्जेक्ट देखा में? है। अरे बाप रे, शायद बाय मिस्टेक हुआ होगा किसी के हाथ हाँ से या जो कॉपी भी है, पेस्ट बट किया ये बट ध्यान चीज नहीं दिया, कॉपी पेस्ट तेजी से हो गया वो। कहा किया। एग्जैक्टली थोड़ा करेक्ट पेशेंस से करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन लेट होगा बट करेक्ट ना ध्यान से, ये चीज करेक्ट तो मेन चीज होती है। और अब पता है सिंपली मुझे मेल में लिख क्या है, रेफरेंस यूनिक सिविल, रेफरेंस यूनिक सिविल, किसी ने लिखा हुआ है अपना पूरा क्या डिटेल्स, हम लोग जो लास्ट में रिगार्ड्स में हाँ लिखते हैं हाँ हाँ स्पेशली हाँ हाँ कंपनीज के लोग, हम लोग करेक्ट तो वो चीज लिख के भेज दिए है कि मैं ओ इसी मेरा रिगार्ड्स रिगार्ड्स लिखा है, नाम लिखा हुआ, कंपनी डिटेल्स लिखे, कॉपी पेस्टेड ऑलमोस्ट 25 नंबर टाइम, मतलब उन्होंने 25 बार तो कॉपी पेस्ट ही किया और कंटेंट मतलब कुछ नहीं था। प्लीज कुल मिला के ऐसे ना सीरियस होके बिल्कुल अप्लाई नहीं किया है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। एग्जैक्टली और सडनली कॉल करके पूछ लेते हैं कि मैम मैंने अप्लाई मतलब भेजा था आपको, आपने देखा हाँ नहीं, उस टाइम पे मैं रिप्लाई क्या दूँ, आई वाज क्या जस्ट दो थिंकिंग कि रिजेक्ट हो चुके आप, ये भी नहीं बोल करेक्ट सकते हम किसी कैंडिडेट को, वी नीड टाइम, टाइम राइट। हम सही लोगों को भी बात लगता है अगर हम लोगों के पास कैंडिडेट है हम शायद शॉर्टलिस्ट कर भी ले, बट करेक्ट प्लीज ऐसे ना छोटे छोटे मिस्टेक्स ना ही करे तो बेटर है स्टूडेंट करेक्ट लोग, बहुत क्योंकि ना बार ये चीज एक नहीं दो नहीं बहुत बार हो बहुत चुकी बार है। करते हैं, मैंने भी ऐसा फेस किया तो हुआ है। एग्जैक्टली क्योंकि क्या होता है ना आपको जॉब चाहिए राइट, करेक्ट तो आपको बहुत अच्छे से लिखना। और ना और एक चीज, मेल लिखते हो कोई जरूरत नहीं आप किसी पर्सन से लिखवाओ या कुछ करो, यार खुद को इंग्लिश नहीं आती है ना कोई दिक्कत नहीं है, गूगल पे सिंपली लिखो कैसे मेल लिखा जाता है एचआर को, एचआर को गूगल सर्च करो सिंपली, वहां पर ना एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट लिखा होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है, इतनी बेसिक इंग्लिश तो सबको और आती है। कम्युनिकेशन के बारे में बताओ ना। कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम कई लोग मैंने देखा है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट एचआर क्वेश्चंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि कम्युनिकेट कर दो पाओ। चीज दो राउंड्स होते हैं मोस्टली, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अगर कॉलिंग होता है तो करेक्ट कॉलिंग में अगर आगे वाला पर्सन इंग्लिश में बात करता है तो ट्राई करना आप इंग्लिश में ही रिप्लाई दो, करेक्ट ठीक है। अगर आप एक या बार बात हो गई और आप नहीं कॉन्फिडेंट फील करते हो तो आगे वाला पर्सन वैसे ही हिंदी में बात करना स्टार्ट कर देगा स्टार्ट कर आपसे, देता है जो अंडरस्टैंड करने हाँ वाला है।
जो जैसे कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि आगे वाला बंदा कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने में, तो मैं तो खुद से स्टार्ट कर देती हूँ, ओके आप हिंदी में बात कर सकते हो, आप अपना कन्वेंस कर सकते हो, क्या पॉइंट कन्वे करना चाहते हो. बट सम पीपल वॉज लाइक, जैसे केरलियन पीपल्स हो गए, चेन्नई अपना साउथ इंडियन पीपल, अगर वो लोग इस टाइप के इंटरव्यूज ले रहे हैं या हाई अथॉरिटीज को ले रहे, ठीक है, तो उन लोगों को नहीं आता है हिंदी लैंग्वेज, तो उस टाइम पे वो ट्राई करते कि वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें, ठीक है. और आपके जॉब में डिस्क्रिप्शन में लिखा हो जाता है, स्पेशली कम्युनिकेशन, जहां पर लिखा हो जाता है गुड कम्युनिकेशन स्किल, वहां डेफिनेटली आपको ना इंग्लिश में ही बात करना है, चाहे आप बेसिक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं यूज करने, सिंपल सिंपल यूज कर सकते हो. सिंपल कोई हाँ ना यस सर जो आंसर पूछते हैं ट्राई करो उसको सिंपली आंसर दे पाओ. करेक्ट, वो सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं आपके कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा ये कर लेंगे, आप वो बिल्कुल अच्छी नहीं आती है तो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं. क्योंकि मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी बहुत कुछ अच्छी नहीं आती थी, मैंने बिल्कुल बेसिक में जो क्वेश्चन आते थे उसके आंसर दे दिए, जो नहीं आते थे शांति से बैठ गई. करेक्ट. और एक इम्पोर्टेंट चीज सर मैं भूल गई, कभी कभी कोई कंपनीज ऐसी होती है जो आपको क्वेश्चंस दे देती है और आपको आंसर नहीं आता है, ठीक है. तो अगर हाँ ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और आपको आंसर नहीं आता, और कोई कोई मैनेजर्स पूछ लेते हैं कि आप इसका आंसर जरूर देना, राइट. तो इस टाइम पे स्टूडेंट क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट आंसर ही नहीं भेजते, मेल ही नहीं करते, अगर रिप्लाई नहीं देता, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं और उनका आंसर क्या देना है, इवन ये भी नहीं सोचते कि अगर किसी ने बोला है किसी कंपनी ने कि अगर आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, आप इसको ढूंढो और मेल कर दो हमें आंसर, तो डेफिनेटली आपको उसका रिवर्ट देना बहुत बहुत जरूरी है. अगर आप रिवर्ट भले उसका आंसर गलत क्यों ना हो ढूंढने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू रिप्लाई. अच्छा मुझे इसका बताओ, ड्रेसिंग का तो कुछ इशू नहीं होता कि इसमें भी प्रॉब्लम होती है इंटरव्यू में? बहुत होता है, होता है. अच्छा ट्राई करना ऑफिशियली फॉर्मल पहन के, नहीं पहनते लोग. लड़कियों को मोस्टली ट्राई करना चाहिए, जैसे कुर्ती लेगिंग हो गया, अगर मैरिड है तो कोई नहीं, पूरा साड़ी भी पहन के आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है. स्कर्ट वर्ट एकदम कंपनी के डिपेंड करता है, बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, स्कर्ट और शर्ट्स पहन के जाती है लड़की तो भी कोई दिक्कत नहीं है. लड़कों को तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, टाई वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है, सिंपली सिंपल पैंट, कोट भी, कुछ कोट की भी पता है, कोट वोट कौन पहनता है, मैनेजर पहनता है, एचओडी पहनता है, सीईओ पहनता है, नॉट ए एम्प्लॉय. जब तक कोई ऑफिशियल मीट मतलब प्रोफेशनल मीटिंग ना हो तब तक. उसकी भी नीड नहीं है ना, एज अ फ्रेशर तो कोई नीड ही नहीं है उसकी, पहली बात तो. फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस पर्सन हो जरूरत ही नहीं होती, जरूरत नहीं है. तो सिंपली नॉर्मल शर्ट पैंट फॉर्मल्स पहन के जाने चाहिए लड़के, शूज भी वैसे ही होने चाहिए आपके आउटफिट्स के साथ. और एक चीज होती है फाइल, जो मेन डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं, बहुत कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है. एक मेन सीवी होता है आपका, बेसिक नीट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके कुछ सर्टिफिकेट्स लगा दो जो मेन चीज है, और फाइनल मार्कशीट्स लगा दो, और आपका सर्टिफिकेट जो सॉफ्टवेयर के किए हो वो चीज, अगर उनको देखना हो तो वो देख सकते हैं. तो एक पतली सी फाइल होती है, बहुत मोटी सी फाइल लेके जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी मोटी सी फाइल को लेके जाते हैं, खोजने लगते हैं कौन सा वाला दिखाना है, तो उसको ऐसे करने लगते हैं, गड़बड़ हो जाता है वो. हाँ तो एक पतली सी फाइल आती है, उसमें बस सिलेक्टेड 10 या 15 डॉक्यूमेंट, 10-15 हो या 4-5 हो, बस उतने ही डॉक्यूमेंट लेके वो फाइल पुश करनी होती है, ताकि आगे वाला बंदा सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से देख पाए और डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाए कि आपका लेवल कहाँ तक है. एग्जैक्टली अगर जैसे अभी हम बीएम का भी बात कर लेते हैं, बीएम के लिए जैसे जाते हो आर्किटेक्चर के पास जाते हो, मेन अपना पोर्टफोलियो ट्राई करो कि आपका पोर्टफोलियो छोटे इसमें प्रिंट कर ले. एग्जैक्टली छोटे से इसमें एटलीस्ट प्रिंट करके ले जाओ, A4 साइज का प्रिंट क्यों ना हो, प्रिंट करके लेके जाओ बहुत अच्छे से, कलर थोड़ा सा खर्चा करके अच्छा कलर करा लेना चाहिए, और मतलब देखने में अच्छा हो जाता हो. अगर फ्रेशर है तो वैसे भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है स्टार्टिंग के लिए, एक बार जॉब स्विच करते हो तो उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है. तो अगर 1-to-1 इंटरव्यू देने जा रहे हो तब रिक्वायरमेंट होता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है. जैसे अगर टेलीफोनिक इंटरव्यू हो जाता है ऐसे टाइम पे, तो आप मेल पुश कर दो, PDF पुश कर दो, दिस इज माय सी मतलब पोर्टफोलियो, दैट्स इट, कोई जरूरत नहीं. दोनों रहता है तो थोड़ा दोनों सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये अच्छा एम्प्लॉई है. हाँ एग्जैक्टली बहुत थी, जैसे मैंने क्या किया था, मुझे रैंडमली कॉल आ गया था, मैंने अटेंड कर लिया इंटरव्यू, और उन्होंने मुझे 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए कि आपने कभी सॉफ्टवेयर पे काम किया है क्या,
करेक्ट मैंने तो उस टाइम पे आंसर दे दिया, बोले ठीक है हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं। तो मैंने सिंपली कहा था अगर आप मुझे रिवर्ट में मेल कर दोगे तो मैं आपको पोर्टफोलियो अटैच करके भेज दूंगी ताकि आपको मेरा परफॉर्मेंस पता चल परफॉर्मेंस रहा है। पता चल जाए। ग्रेट एग्जैक्टली अगर फर्स्ट टाइम मेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू हैव टू अटैच एवरीथिंग, एग्जैक्ट कवर लेटर, अपना सीवी, अपना पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो, एवरीथिंग यू हैव टू अटैच, करेक्ट सब कुछ। अगर सडनली कॉल आता है, अगर वीएम के लिए हो या आर्किटेक्चर पीपल्स समवन कॉलिंग, तो उस करेक्ट टाइम पे आप बोल दो उनको कि हाँ मेरे पास पोर्टफोलियो है, आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको भेज सकता हूँ, आप एग्जैक्ट देख लीजिए। इससे क्या हो जाता है ना, आप जैसे बोलोगे कि आपको सॉफ्टवेयर में बहुत नॉलेज है, कोई भरोसा कैसे नहीं कैसे मान करेगा। ले कोई कि आपको नॉलेज है कि नहीं है। एग्जैक्टली जैसे मुझे पूछा था आप खुद को रेटिंग दे दो, बोले थे मुझे हाँ इंटरव्यू में कि आपको ऑटोकैड कितना आता है, तो मैं 4 साल से ऑटोकैड पे काम कर रही हूँ, तो मैंने बोल दिया सर ऑटोकैड पे तो मैं आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 भी दे सकती हूँ एक टाइम पे, बट वैसे भी बहुत सब कुछ ऐसे अपडेट होते रहता है, तो मैं बोल रही हूँ कि सर मुझे 10 आउट ऑफ 8 तो दे सकती हूँ खुद दैट को, इज राइट भले ही मुझे मार्क्स बहुत एक्चुअली। 10 आउट ऑफ 10 गलत हो जाता है कि कोई बोल देगा हाँ मुझे बहुत अच्छे, नहीं ऑलवेज अपडेट होते रहता है। आप 9 भी नहीं दे सकते हो क्योंकि 1% में आप बहुत कुछ सीख लिए हो, नहीं करेक्ट। पॉसिबल ही नहीं है। 8 ऐसा नंबर है, 6 7 8 हाँ ओके आपको बहुत अच्छे से आता है, करेक्ट अपग्रेडेड चीजें सीखते रहेंगे वो राइट। तो हमेशा होता रहता है। तो मैं आज के डेट पे आपके लेक्चर फिर से अटेंड ही कर रही हूँ सर, कौन सा वाला देख रही थी? कितने से मैं तो इवन आज मैंने ना ऑटोकैड के 1 से लेके 21 लेक्चर पूरे अटेंड कर लिए, सोचो मैंने वेरी लाइन गुड। कमांड से सीख लिया फिर से। और देखो उसने कुछ ना कुछ नया मिला जरूर होगा। देखो ऑब्वियसली अभी मैंने तो जो कमांड्स फिर से यूज भी नहीं की होंगी ना वो भी कमांड तुमने यूज देखो देख लिए। 4 साल यूज किया, अभी तुम फिर से बीआईएम के लेक्चर अटेंड कर रही हो, तो भी तुमको देखो क्या मिला, कुछ नया मिल रहा है। तो सोचो कि अगर हम तो 10 आउट ऑफ 10 मैंने बोल दें तो तो गलत हो जाएगा। बहुत कुछ ऐसी चीजें यूज भी नहीं करते, और ना बहुत ऐसा हाँ ये तो ऑटोकैड के लिए भी हो गया। इवन मुझे रिवेट में पूछा आपको रिवेट कितना आता है, मैंने बोला सर मुझे रिवेट में सिर्फ मैं अपने आप को 5 ही दे सकती हूँ, मैं 6 भी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैंने बस रेयरली यूज किया है, मैंने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किया दैट्स इट, करेक्ट तो मैं 5 दूंगी। और स्ट्रक्चर का पूछ लिया एंड वेरी फ्रेंकली मुझे स्ट्रक्चर में मैंने काम ही नहीं किया तो मैं अपने रेटिंग कैसे दूँ। कैसे दें? सही बात है ना, सही बात है। आपको नहीं आता है बहुत कॉन्फिडेंसली बोल दो सर मैंने स्ट्रक्चर में काम नहीं किया है या फिर मुझे नहीं आता नहीं है, आता सिंपली आप जितना लॉयल रहोगे वो उतना बेस्ट है। कंपनी ट्रस्ट करेगी, क्योंकि मुझे तो इसी बेसिस पे लिया गया है उस कंपनी में, क्योंकि मैंने सिंपली बोला था कि मुझे स्ट्रक्चर का 0 नॉलेज है बट मैं अपने इसमें आर्किटेक्चर में बहुत अच्छी हूँ, स्केचअप में बहुत अच्छी हूँ, बाकी सारी चीजें ऐसी होती है। जैसे मुझे पूछ रहे सिविल 3D का भी काफी बूम है, तो ऐसा होता है कि उन्होंने पूछ लिया सिविल 3D में क्या नॉलेज है, मैंने बोला मैं उस टाइम पे मैं आंसर कह दूं क्योंकि मैंने तो काम ही नहीं किया काम उस ही पे नहीं किया तो ज्यादा। क्या बताएं। तो मैंने एक सिंपली आंसर दे दिया था उस टाइम पे कि सर मैंने जब रिक्वायरमेंट होती है हाँ तो मैं थोड़ा उस बहुत टाइम पे स्टडी कर लेते हैं। सीख के उस टाइम का प्रॉब्लम रिजोल्व कर देती हूँ, आई एम वेरी क्विक लर्नर फॉर दिस थिंग, ये चीज मेन बेस्ट होती है। और आंसर फिर। फ्रेशर के लिए ये चीज सबसे अच्छी होती है, फ्रेशर्स के लिए अगर आपको बहुत सारी चीजें नहीं आती है आपको पता ही नहीं होता एक्चुअली, आप जो सीखते हो वो बस कमांड होते हैं, कमांड वो सही करते हो तुम। रियलिटी में आपको पता ही नहीं होता, बहुत चीजें अलग होती है। करेक्ट किसी को अगर पूछ लो कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, अब पता ही नहीं है एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स और होते ऑटोकैड क्या खत्म हो गया है। ऑटोकैड है खत्म हो गया। अरे मैं अभी तुम किसी से पूछ लो समेशन ड्राइंग क्या होती है, वर्किंग ड्राइंग क्या होती है, पता ही नहीं है और ऑटोकैड खत्म हो गया है। तो अभी नहीं वही चीज नॉर्मल पूछ लिए थे कोऑर्डिनेट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको यूटीएम कोऑर्डिनेट होते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट होते हैं, वो दोनों के कन्वर्जेंस आपको पता होने चाहिए, पता भले होते उस कंपनी में जरूरत हो या ना हो, थोड़ा सा बेसिक नीड्स पता ये होने चीजें होती है चाहिए। पता होनी चाहिए। सही बात है। मैं और एक चीज होती है ड्राइंग को सेट करना, फाइनल वेरी आउटपुट तो वही है। फ्रेंकली हाँ मतलब अगर आपका स्टूडेंट अगर जिस दिन परसों के दिन इंटरव्यू हुआ था मैंने खुद ही लिया था, अगर वो आपका स्टूडेंट है आई वॉज लाइक मे बी आप ही की स्टूडेंट हूँ, ये बेसिक चीजें आपने इतनी अच्छी सिखाई है ना कि सपने में भी नहीं भूल सकती कि क्या चीजें थे, ट्रिम क्या होता है, आप ट्रिम भी नहीं हो मेन रहा चीज हाँ हो सकता है 2 साल का एक्सपीरियंस पर्सन अगर ये चीज मुझे बोल दे करेक्ट। तो हाँ ये बहुत बुरा तो लगता बहुत है, ज्यादा बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा ऐसे लगता है। ऐसे मैं भी एक बार किसी का इंटरव्यू ले रहा था, वो बोला मैं ऑटोडेस्क सर्टिफाइड हूँ ऑटोकैड में, तो मैंने बोला कि लेयर में फ्रीज क्यों करते हैं।
उसको पता नहीं था, मैं कहा तुम ऑटोडेस्क सर्टिफाइड कैसे हो गए। तो ऐसे वो छोटी छोटी चीज है ये सब। बहुत छोटी। और ना अगर हाँ, और एक चीज होती है इंटरव्यू के टाइम पे, अगर कोई आपको ड्राइंग दे बनाने के लिए, मोस्टली यही होता है, ड्राइंग्स दे हाँ देते हैं, कॉमन सेंस यूज करो, मेन बस चीज है कॉमन सेंस। क्या होता है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको दिया जाता है 1 घंटा, हम लोग हाँ देते 1 आवर, उसके बाद भी में हम लोग देते एक्स्ट्रा 1 आवर, तो कर एक घंटे में ड्राइंग नहीं कर कर पाते करके और एक्स्ट्रा दे देते हैं। इवन दैट अगर 2 आवर्स में भी अगर आप नहीं कंप्लीट करते हो ना, शेम ऑन यू देन, करेक्ट है। सीरियसली। वो चीज एक है, नहीं आता है छोड़ दो, बट ना बहुत छोटी छोटी स्पीड थोड़ा चीजें मैटर होती है, करता है, थोड़ा स्पीड में रहना चाहिए बहुत एटलीस्ट। मैटर। सामने कोई को भी लगेगा यार चलो काम देंगे जल्दी से निपटा देगा, ठीक है पता चला तुम्हें एक चीज और स्पीड क्या। ऑब्वियसली मैटर करता है। और एक चीज, अगर कोई चीज नई है आपके लिए, कुछ नया दिख रहा है, फर्स्ट अंडरस्टैंड, मतलब वो करेक्ट समझो, क्वेश्चन पूछो वो चीज किसकी है, तब जाके स्टार्ट करो। सही बात बहुत मेन मिस्टेक क्या करते हैं ना स्टूडेंट लोग, बैठे रहते हैं। ड्राइंग आ जाए, नहीं, ड्राइंग आती है, स्टार्ट कर देते हैं। क्या बन ओके रहा है पता नहीं चल रहा है नहीं, मतलब क्यों बना रहे, क्या कर रहे क्या पता कर ही नहीं रहे। है। हाँ एग्जैक्टली, सीधा आते हैं, स्टार्ट कर देते, मतलब पता है बहुत कुछ। अरे हाँ पूछ लो बाबा कि पूछ क्या लो चीज है, सही बात है उससे क्या हो जाता है ना, आगे वाले पर्सन को ये पता चल जाए, अगर इस पर्सन को अगर हम हायर करते हैं करेक्ट। तो आगे जाकर इसको कोई भी चीज, छोटी मोटी हम काम देते तो एटलीस्ट वो हमारे पास आएगा और क्वेश्चन पूछते रहेगा। ये चीज होती है, हमेशा होती है फ्रेशर्स के लिए, कि अगर कोई फ्रेशर इंटरव्यू दे देता है और क्वेश्चन भी नहीं पूछता है रिवर्ट में हम लोगों को, छोटे छोटे बेसिक नीड्स की, यानी कि ये चीज कहाँ से, बहुत सारे हम लोग डायमेंशन मिसिंग कर देते हैं ताकि वो क्वेश्चन पूछे हमें, वो करेक्ट पूछते ही नहीं है, डायरेक्ट खुद से ही सॉल्व कर देते छापे हैं। पड़े हैं। तो वही मतलब हाँ, ये चीज नहीं कि करना चाहिए। आंख को खोल को दिमाग को खोल को दोनों को ओपन करके तब बनाओ तो बेटर रहता हाँ, है। पूछो क्वेश्चन, पूछो क्वेश्चन के आंसर हम लोग देने के लिए बैठे हुए हैं करेक्ट एक्चुअली, सही बात है। तो चलो हमेशा ये चीज याद रखना। बहुत कुछ तुमने बता दिया, इतना कुछ बता दिया। अभी अगर ये लोग सही में अगर इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और होप सो बहुत कि ज्यादा, उनका जहाँ सिलेक्शन होने वाला है उसका चांस 80% एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि यही मिस्टेक तो होती है ना डेफिनेटली। फ्रेशर्स को। अच्छा क्या होता है हाँ कि उनको कोई दिक्कत ये भी है ना कि ठीक है अभी हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन कैसे होता है कि उनकी भी गलती नहीं है। बहुत से ऐसे फ्रेशर्स हैं जिनको बताया ही नहीं जाता कॉलेज में, तुम कॉलेज का तो तुमने भी देखा है, कॉलेज में ये सारी चीज़ों पर कोई डिस्कस ही नहीं करता है। ठीक है डिस्कस जो करते हैं वो यहाँ होता नहीं है, और जो यहाँ होता है वो कोई डिस्कस नहीं करता है। तो इसलिए बट हम एक चीज लोग गलत बोल दिए सर, हर चीज का ना सॉल्यूशन होता है आजकल मोबाइल में। वो तो डेफिनेटली होते हैं सोल्यूशंस, लेकिन क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि रास्ता ये वाला है, तभी तो सोल्यूशंस सर्च करेंगे ना। अभी हम लोग सोल्यूशन मोबाइल के रूप में तो आ रहे हैं, जो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं ये नहीं तो मोबाइल पे ही आएंगे ना। आज की जनरेशन सिंपली है सर, आपको खुद, आप इतने सारे क्लासेस, मतलब छोटे छोटे वीडियोस बना के डालते हो, करेक्ट ठीक है, सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, ऐसा तो कोई है ही नहीं आज के डेट में जिसको जो पता ही नहीं है मोबाइल क्या है। और ये भी नहीं है कि किसी को सर्च करना नहीं आता है, कुछ भी डाल दो, मतलब बोलो कि चांद पे साइकिल चलती है क्या, ये भी डाल दोगे ना तब वो भी कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ तो कुछ आ आंसर आ जाएगा, कुछ जाएगा। ना कुछ तो आ एग्जैक्टली, जाएगा। तो यही होता है मेन चीज। वो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे फ्रेशर्स होते हैं ना, फ्रेशर्स को सब पता नहीं होता कि एग्जैक्टली सर्च क्या करना है। ठीक है बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुझे ना मैसेज करते हैं सर मेरा ईटैब इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अब उनको नहीं पता कि ईटैब के इंस्टॉल करने के लिए इसमें कितने वीडियोज होंगे, उनका कोई लाइन नहीं है ना। तो एग्जैक्टली उनको पता नहीं कि सर्च क्या करें, उन्होंने जो सर्च कीवर्ड जो पता किया वो कीवर्ड सर्च ही नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि उनको भी अगर कोई गाइड कर दे, ठीक है जैसे जैसे कि अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं तो एक तरीके से गाइडेंस हो गया यस ना, अब वो आराम से सर्च यस, करेंगे उस चीज़ को, तो डेफिनेटली दे कैन गेट कि हाँ यार ये मिस्टेक तो हमने किया था, ये अभी कहीं लोग को रियलाइज हो रहा होगा यार ये तो हमने भी कर रखा था, जो बोल के बता रही है तो हमने भी गलती कर रखी है, ऐसा होता है बहुत ना। होता है, होता है, सही बात क्योंकि है आज के डेट में मैं भी बहुत छोटी छोटी चीजें जो नहीं आती है मैं भी सर्च ही करती हूँ, करेक्ट बहुत सारा चीजें सर्च करने पर ही पता चलता है हमें भी, करेक्ट हर चीज पता हो ऐसा तो है ही नहीं। सही बात है तो ऑलवेज लाइक, अगर नहीं आता है तो पूछ लो, नहीं आता है तो देख लो, ये करेक्ट। चीज मैंने आज के डेट में भी मैं सर को कॉल करके पूछ ही लेती हूँ। चलो बढ़िया बहुत अच्छा लगा मन के, और इसी बहाने चलो हम लोग ने बात तो कर ली नहीं, काफी टाइम के बाद, यस और सबसे बिल्कुल, बड़ी बात कि हम लोग के बात से बहुत लोगों को बेनिफिट हो गया है ना। ऑब्वियसली। चलो ठीक है थैंक यू सो मच, तुम्हारा 1 घंटे का टाइम हम लोगों ने लिया, लेकिन इससे अरे बहुत इट्स लोगों का ओके मन सर, बहुत लोगों का भला या हुआ। चलो ठीक बिल्कुल, है ओके बाय। हाँ ओके बाय सर। ओके थैंक यू सो मच यार।